शहर की तमाम सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं और इस बार तो एक महिला की जान भी चली गई। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए कुमाऊं आयुक्त ने चौफला पुल के पास निरीक्षण किया। बता दें कि चौफला पुल के पास लगभग 3 किलोमीटर की नहर कवरिंग का कार्य चल रहा है। इसमें सिंचाई विभाग, जल संस्थान, PWD, नगर निगम सभी विभाग कार्य कर रहे हैं। सड़कों पर हो रही खुदाई के कारण सड़क बेहद खराब हो जाने की वजह से 2 दिन पूर्व एक महिला की मौत हो गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने समस्त अधिकारियों के साथ बैठक ली है और सभी को मौके पर चलने के लिए कहा है, जिसके बाद सिंचाई विभाग, PWD विभाग, जल संस्थान, नगर निगम और बिजली विभाग, सिटी मजिस्ट्रेट सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर सड़क की हालत को देखकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने तत्काल एक्शन लेते हुए नहर कवरिंग में चल रही धांधली को देखते हुए ठेकेदार और कई विभागों पर पेनल्टी लगाकर जाँच के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पर रोड का काम चलते चलते, अभी बीच में पाइपलाइन पड़ी है तो रोड जो है काफ़ी जगह पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से अभी विगत 1-2 दिन पूर्व एक महिला उसमें गिरकर बेचारी आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई। और रोड के किनारे जो पाइपलाइन है उनमें लगातार पानी बह रहा है, क्योंकि बहुत जगह से पाइपलाइन टूटी पड़ी है, जिससे अभी सुबह के समय आज ही एक बच्चा एक पानी का एक गड्ढा बना हुआ है उसमें। अभी विगत दो दिन पूर्व सड़क एक्सीडेंट में एक दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई, तो उसको लेकर हमने कमिश्नर साहब को अवगत कराया था, तो कमिश्नर साहब ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और आके यहाँ की जो भी सड़कों की स्थिति है, जो यहाँ की नहर कवरिंग होनी है, इन सारी स्थितियों से इनको अवगत कराया। और कमिश्नर साहब का दौरा बहुत अच्छा रहा। कमिश्नर साहब ने सबको आदेश दिए हैं कि इनको शीघ्र से नहर कवरिंग का कार्य और ये जो भी कार्य अटके हैं इनको शीघ्र पूरा किया जाए। ये चंबल पुल से लेके चौफला रोड पे जो काम हो रहा है, इसमें 2-3 इसके कंपोनेंट्स हैं। एक तो बिजली की शिफ्टिंग, पानी के पाइपलाइन की शिफ्टिंग, उसके ऊपर नहर की कवरिंग और फाइनली पूरे रोड सर्फेस का काम जो कि PWD को करना है। इसमें से जो नहर कवरिंग का पार्ट है वो इरीगेशन कर चुका है और लाइन शिफ्टिंग का काम अभी चल रहा है, जल संस्थान कर रही है, लेकिन जल संस्थान ने जो शिफ्ट किए हैं पाइप्स अभी तक, उसके बाद उनकी